हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए IRCTC IPO आज दूसरा दिन था, 30 सितंबर पहला दिन और आज 1 अक्टूबर दूसरा दिन था इसका। अब इसमें जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो नंबर्स काफ़ी चौंकाने वाले हैं और इतना सब्सक्रिप्शन हुआ है कि आप कहोगे भाई मुझे भी सब्सक्राइब करना है। और मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपने अभी तक अप्लाई किया या नहीं किया IPO में? अगर नहीं किया तो आपके पास मौका है, और वो भी 3 अक्टूबर का। 3 अक्टूबर में पूरा पूरा मौका है आपके पास पैसा कमाने का, बस आपको IPO में अप्लाई करना है। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको अलॉट होगा, अलॉट होगा तो भाई लिस्टिंग गेन होगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा लिस्टिंग गेन होने वाला है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का जो आज की डेट का सब्सक्रिप्शन है वो 6 गुना हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा। आप सोचिए, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप 3 अक्टूबर को अप्लाई करेंगे, और आपके जैसे अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपके जैसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जो 3 अक्टूबर को अप्लाई करेंगे। तो जो रिटेल इन्वेस्टर का सेगमेंट 6 गुना अप्लाई हुआ है, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे यूजर्स, रिटेल यूजर्स बहुत सारे और आएंगे, तो कितना गुना ये सब्सक्राइब होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अभी तो QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि सबसे ज़्यादा लास्ट दिन में अप्लाई करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब कितना जाएगा ये, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लॉट्स पे अप्लाई करते हैं। चलिए एक नज़र देखते हैं आज का इसका डिटेल, IRCTC के IPO का कैसा सब्सक्रिप्शन रहा आज का इसका, BSE पे, NSE पे, उन सब के बारे में जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब IPO की डिटेल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई IPO 3 अक्टूबर की लास्ट डेट है। अगर आप अभी तक भूले हो, अप्लाई नहीं किया है, तो 3 अक्टूबर की लास्ट डेट है, ध्यान रखना। कल छुट्टी है, गांधी जयंती है, रिफंड आपका 10 तारीख से रिफंड आना स्टार्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट का आपका पता लग जाएगा 9 तारीख से, अगर आपके पास रिफंड आ गया तो मतलब आपको नहीं मिला। और लिस्टिंग डेट 14 अक्टूबर की यहाँ पर दिखाई गई है। बस एक लॉट आपका 12,800 का है, मुझे लगता है कि एक एक लॉट आपके पास, जितने डीमैट अकाउंट है सबसे अप्लाई जरूर कर लीजिए, एक एक लॉट, ज़्यादा नहीं एक एक लॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला ही है। और अभी का जो रिसेंट डाटा है वो देखते हैं इसमें। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन की, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, 3.24 टाइम्स, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा, 3.25 गुना मान के चलिए। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कितने आए हैं अभी, भाई ये तो एक एक दिन के पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, तो ये तो परसों 3 अक्टूबर को ही खरीदेंगे, क्योंकि अभी आज का दिन और फिर कल के दिन का, 2 दिन का जिस हिसाब से ये माल खरीदते हैं, अप्लाई करते हैं, ब्लॉक करते हैं पैसे को, तो 1.65 ऑलरेडी ये कर चुके हैं, लेकिन अभी 2 दिन और हैं, 3 तारीख को ये ज़बरदस्त यहाँ पर आपको उछाल देखने को मिलेगा। और NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यहाँ पे इन्होंने 1.73 टाइम्स अभी सब्सक्राइब किया है, लेकिन ये भी आपको, ये जनरली सबसे लास्ट डे में ही ये लोग एंट्री मारते हैं, क्योंकि ये पैसे की एक एक दिन की वैल्यू समझते हैं, अपना पैसा ब्लॉक करना नहीं चाहते जल्दी, इसलिए लास्ट दिन तक ज़बरदस्त एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। रिटेल यूजर, रिटेल इन्वेस्टर जो कि सबसे जल्दी यहाँ पे आता है, और ये देखिए ये 6 गुना सब्सक्राइब कर दिया रिटेल इन्वेस्टर ने। अब 6 गुना सब्सक्राइब रिटेल इन्वेस्टर ने कर दिया, तो सोचिए लास्ट दिन पे बचे कुचे रिटेल इन्वेस्टर ये भी कूदेंगे तो ये कितने आएंगे यहाँ पे, एक एक दो दो लॉट अलग अलग पैन कार्ड से सब अप्लाई करेंगे लास्ट दिन में, तो ये मुझे लगता है कि 10 गुना से भी ज़्यादा ये रिटेल का सेगमेंट का जाने वाला है। अब इम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, जो इम्प्लॉय रिजर्व्ड है, इम्प्लॉयज़ ने भी 2.5 गुना से ज़्यादा अभी वो कर दिया, सब्सक्रिप्शन कर दिया। अब लास्ट डे में ये भी कूदेंगे तो 5-6 गुना ये भी जाएगा, तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे इसका, तो कम से कम मुझे लगता है कि 20 से 30 गुना से ज़्यादा जा सकता है, ये 20 से 30 गुना के आसपास उम्मीद करते हैं इतना चले जाए। और जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता है उतनी ज़्यादा यहाँ पे लिस्टिंग गेन के आसार होते हैं, लिस्टिंग गेन के आसार होते हैं, मतलब माना जा रहा है, अगर मैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम के हिसाब से देखूं, तो माना जा रहा है कि यहाँ पे 100 से 150 रुपये पर शेयर पे आपको कमाई देखने को मिल सकती है, 100 से 150 रुपये, मतलब 310 पे आपको मिला है तो ये मान के चलिए कि इसकी लिस्टिंग यहाँ पे 460 से ऊपर, 460 से 500 तक की रेंज में हो सकती है यहाँ पे इसकी लिस्टिंग, बड़ी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, बहुत ही बढ़िया बात है भाई। अब एक एक करके देखते हैं NSE पे क्या हाल रहा है और BSE पे क्या हाल रहा है। अब अगर मैं BSE की डिटेल देखूँ, तो जिस तरीके से यहाँ पे 1.18 यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ है, बड़े लोग कितने शेयर से, टोटल 1 करोड़ शेयर से 1,18,00,000 ऑलरेडी यहाँ पे बिडिंग आ चुकी है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का आप देखिए
1,62,00,000 फॉरेन इन्वेस्टर आए हैं, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 6,25,000 आए हैं, और म्यूचुअल फंड हाउसेस ने बड़ी बाइंग कर रखी है। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस ने जो बिडिंग कर रखी है 1,10,58,200, इतना अभी तक म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से बिडिंग आ चुकी है, तो ये बिडिंग बढ़ने वाली है लास्ट डे पे, ध्यान रखिए। और वहीं पे अगर मैं NII की बात करूँ, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मैं बात करूँ, तो कॉरपोरेट सेक्टर के इसमें कितने हैं, 1,60,000 के आसपास है। टोटल इनको 30 लाख की अलॉटमेंट थी, अलॉटेड था, और कितने अब तक 41 लाख बिडिंग आ चुकी है। और इंडिविजुअल्स की बात करें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने 37 लाख लोगों ने अब तक अप्लाई कर दिया है, 37 लाख बिड्स आ चुकी है। और बाकी अगर रिटेल इन्वेस्टर, देखिए अभी भी रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़े नंबर पे ये गलती कर रहा है, ये गलती अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया तो आपको नहीं करनी है। ये देखिए रिटेल इन्वेस्टर अब तक, देखिए इसके कोटे में बस 70 लाख शेयर्स हैं, इसके कोटे में कितने हैं 70 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन कितनी आ चुकी है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 3 करोड़ से ज़्यादा। ये अभी खाली NSE की बात हो, BSE की बात हो रही है, NSE नहीं, BSE की बात। अब 3 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अब 4 गुना से ज़्यादा आ चुका है, लेकिन जो गलती हो रही है वो क्या हो रही है, 2,40,00,000 लोगों ने तो बढ़िया कर रखा है, लेकिन ये 60 लाख लोग, ऑलमोस्ट 60 लाख लोग हैं, ये अभी भी वही गलती कर रहे हैं कि जो प्राइस की बिडिंग कर रहे हैं। प्राइस की बिडिंग जब आपको पता है कि ये ओवर सब्सक्राइब हुआ, तो प्राइस की बिडिंग अगर आपने अब तक नहीं अप्लाई किया तो आप ये गलती बिल्कुल मत दोहराएं, सीधे कट ऑफ प्राइस पे ही जाएं। कट ऑफ प्राइस बार बार मैंने कई बार बता दिया इसका, कट ऑफ प्राइस पे ही जाएं, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब है तो आपको वही मिलेगा, 320 का कट ऑफ प्राइस है और आपको ऑलरेडी 10 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपके लिए 310 रुपये का शेयर पड़ रहा है। अब देखिए, और यही अगर इम्प्लॉय रिजर्व्ड की बात करें, इम्प्लॉय रिजर्व्ड वाले भी कट ऑफ प्राइस पे ये बिडिंग कर रहे हैं। देखिए अभी तक 46,000 बिड्स इस पे आ चुकी है, इम्प्लॉय रिजर्व्ड वाले तो 2,60,000 ऑलरेडी जो है सही कट ऑफ प्राइस पे जा रही है और बाकी बिड कर रहे हैं। अब 3 लाख ऑल दो कितना है, 1,60,000 है, 3 लाख ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन आ चुका है, बिडिंग आ चुकी है। ये तो हमने बात करी कि इसकी BSE की। अब लेके चलता हूँ आपको NSE की तरफ, NSE पे क्या कुछ चल रहा है। जनरली यहाँ पे BSE पे ज़्यादा ज़्यादा बिडिंग है, इस चीज़ को ध्यान रखें। NSE पे अभी बहुत कम बिडिंग यहाँ पे चल रही है, QIB बहुत कम एंट्री मारे हैं NSE पे, और अगर आप NSE पे बिडिंग मारते हैं तो चांसेस ज़्यादा लगते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर NSE पे भी खूब आ चुका है अब तक। ये देखिए आप, NSE पे 70 लाख शेयर्स थे, यहाँ पे ऑलरेडी 1,34,00,000 लोग आ चुके हैं, बिडिंग हो चुकी है इतनी और बड़ी, लेकिन NSE पे भी वही गलती लोग कर रहे हैं कट ऑफ प्राइस पे की, और यहाँ पे 44 लाख लोगों ने सेम गलती कर रखी है, जो यहाँ ये बिडिंग कर रहे हैं और कट ऑफ प्राइस वाले 90 लाख के ऑलमोस्ट लोग हैं। इम्प्लॉई रिजर्व्ड भी अभी NSE पे फुल नहीं हुआ, सारा जो है IPO वो BSE पे ओवरलोड हो रहा है, NSE पे नहीं हो रहा है। NSE पे लास्ट डे बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं यहाँ पे, देखिए किस उसमें आप जाना चाहते हो, NSE पे जाना चाहते हो, BSE पे अप्लाई करना चाहते हो, तो ये देखिए आप। फिलहाल मुझे लगता है कि इस शेयर में एक बड़ी जंप देखने को मिल सकती है IPO में सब्सक्रिप्शन में। कल तो छुट्टी है 3 तारीख को। अब QIB का अगर मैं जैसे NSE पे कहूँ, कितने 1 करोड़ शेयर हैं, मात्र 46 लाख लोग अभी आगे आए हैं, तो यहाँ पे ये कल की डेट में 3 तारीख की डेट में ये सब आने वाले हैं, और सारा ये भी पूरा का पूरा आपको सब्सक्रिप्शन फुल मिलेगा। तो NSE में अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी तो 1 गुना भी पूरा नहीं हुआ, मतलब अभी भी बचे हुए हैं शेयर्स अप्लाई करने के लिए, ऐसा है NSE में। और BSE में ये ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो आपने ये डिटेल्स देखी, अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया, मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़रूर अप्लाई इसमें करिए, एक एक लॉट करके। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आपको एक एक लॉट, एटलीस्ट एक एक लॉट आपको अप्लाई करना चाहिए, और या आपका पैसा अगर आपको अलॉट होता है, आपकी किस्मत पर आता है, तो डेफिनेटली आपको ये रिटर्न देने वाला है, लिस्टिंग गेन तो जरूर देने वाला है। अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो फर्स्ट डे जब लिस्ट होगा तो उसी दिन आप सेल कर दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर आपका पैसा बन के आपके हाथ में आ जाएगा। मान लीजिए ये 10-15% यहाँ पे आपको गेन देता है, कितना 10% भी गेन देता है, तो 12,000 रुपये का 10%, 1,200 रुपये, कम से कम 10% की यहाँ पे बात हो रही है अगर देता है, तो 1,200-1,300 हज़ार रुपये आपको 2 मिनट के काम पे आपको मिल जाएंगे। 2 मिनट आपको अप्लाई करने का और 1-2 मिनट आपको सेल करने का, बस इतना ही टाइम आपको लगेगा, कुछ नहीं है। पैसा ब्लॉक होगा मात्र 1-1.5 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए वो भी मैं कहूँगा, 3 तारीख से 8-9 तारीख तक रिफंड आना आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो इतना ही पैसा आपका ब्लॉक होगा। चलिए बार बार मैं मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, आप कि भाई
अप्लाई कीजिए इस आईपीओ में, अच्छा सब्सक्रिप्शन हो रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए, आपकी अपनी राय स्टॉक के इस आईपीओ के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।